हेलो दोस्तों, फुल एजुकेशन सपोर्ट चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को क्लिक जरूर कर लीजिएगा फॉर न्यू अपडेट्स के लिए। तो आज का लेक्चर होने वाला है एमकॉम स्टूडेंट्स के लिए और ये टॉपिक है सेकेंडरी डाटा। ये जो सब्जेक्ट है, ये बुक का नेम है रिसर्च एंड मेथोडोलॉजी, मनन प्रकाशन की बुक मैं यूज कर रही हूँ। तो डियर फ्रेंड्स, सेकेंडरी डाटा के बारे में जानते हैं कि क्या होती है सेकेंडरी डाटा, और मे भी अगर एग्जाम में आता है तो आपको ये छोड़ के नहीं आना। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। सेकेंडरी डाटा क्या है, क्या होता है सेकेंडरी डाटा? सेकेंडरी डाटा मतलब होता है एक ऐसा डाटा, डाटा मीन्स क्या, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जिसका यूज हम किसी न किसी पर्पज के लिए करेंगे। ओके, तो वो हो गया एक डाटा जो कि एक इंफॉर्मेशन रहती है। जो अब ये जो डाटा है, ये इंटरनेट के थ्रू, पब्लिश के थ्रू, मैगजीन हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, तो इसके थ्रू जो हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, दैट इज अ सेकेंडरी डाटा। कि सेकेंडरी ऑल मतलब सेकेंडरी डाटा का इन सिंपल वर्ड ये मीनिंग होगा कि कोई और रिसर्चर है जो कि ऑलरेडी उसने किसी टॉपिक पे या किसी सब्जेक्ट पे, उसने किसी ऑब्जेक्टिव में ऑलरेडी उसने रिसर्च किया हुआ है, एंड जो उसने रिसर्च किया है, जो भी मतलब सेकेंडरी डाटा है इसमें, मतलब जो भी उसने रिसर्च किया हुआ है कोई टॉपिक है, तो ऑलरेडी उसने इंफॉर्मेशन ली हुई है और उसने इंटरनेट में है या फिर गूगल वगैरह में आप सर्च करते रहोगे, तो वहां पे ऑलरेडी उसने प्रोवाइड करके दी गई है इंफॉर्मेशन। मतलब कि प्राइमरी डाटा ये नहीं है, ये सेकेंडरी डाटा है। इसमें इनके ऑलरेडी जो इंफॉर्मेशन है वो ऑलरेडी अवेलेबल है, इन पब्लिश हुई है, प्रिंटेड सोर्स में है, उसी को कहेंगे सेकेंडरी डाटा। इन सिंपल वर्ड, द सेकेंडरी डाटा इज रीडली अवेलेबल डाटा फ्रॉम पब्लिश और प्रिंटेड सोर्स। प्रिंटेड सोर्स जैसे कि मैगजीन वगैरह हो गया, और पब्लिश किया हुआ जैसे कि इंटरनेट में कोई आप कुछ भी सर्च करोगे तो आपको, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है इंडिया में, तो अब ये जो किसी ने भी, कोई भी रिसर्चर हो, उसने इस टॉपिक पे, इस सब्जेक्ट में पहले उसने सर्च किया रहेगा कि बाबा अनएम्प्लॉयमेंट कितने हैं, उसने बहुत सारे अलग अलग सोर्सेस से सर्च किए। ओके, तो वो सेकेंडरी डाटा है क्योंकि और फिर उसने क्या किया कि इंटरनेट में डाल दिया, तो वो हमारे लिए तो सेकेंडरी डाटा हुआ ना। तो ये थी सेकेंडरी डाटा। कि सेकेंडरी डाटा क्या होता है, जनरली क्या होता है, जो रिसर्चर रहते हैं पहले तो वो क्या करते हैं, सेकेंडरी डाटा से कोई इंफॉर्मेशन लेंगे, और फिर भी अगर उनको नहीं जमा तो फिर वो प्राइमरी डाटा भी करेंगे कलेक्ट। मतलब कि जब कोई भी रिसर्चर है, जैसे कि आपको कॉलेज में कोई बोला कि आपको कोई प्रोजेक्ट दे दिया कि आपको रिसर्च करना है इस टॉपिक पे, कि हमारे कॉलेज में कितने स्टूडेंट हैं जो कि आते नहीं हैं और क्या उसका रीजन है, तो आप क्या करोगे, पहले आप सर्च करोगे कि क्या कितने स्टूडेंट है। पहले तो आप जाओगे टीचर लोगों से देखोगे, ऑलरेडी जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी उन सब इन्फॉर्मेशन चेक करोगे, कि देन उसके बाद आप प्राइमरी डाटा इस्तेमाल करोगे कि आप यहां से भी थोड़ा बहुत गेन कर कलेक्ट कर सको इन्फॉर्मेशन। तो इस तरीके से आपने एक इंफॉर्मेशन ली, देन उसको एनालाइज किया, उसमें से क्या प्रॉब्लम है फाइंड आउट किया, देन उसके बाद सब कुछ करने के बाद, हाइपोथेसिस यूज करने के बाद, आपने एज्यूम किया, सब कुछ समझने के बाद, उसके बाद आप डिसाइड करते हो कि ये है मेरा रिसर्च और मैंने ये सब किया हुआ, तो ये था कोई टॉपिक में रिसर्च करना। तो क्या हुआ, आपने सेकेंडरी डाटा भी यूज किया और प्राइमरी डाटा को भी यूज किया। और रिसर्च क्यों करते हैं, पर्टिकुलर कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए रिसर्च करते हैं। जैसे कि आपको एक इन्फॉर्मेशन बताना चाहूंगी यहाँ पे, याद आए तो बता ही देती हूँ। जैसे कि कोई पीएचडी कर रहा है, तो मोस्टली मैक्सिमम 75% लोग ऐसे हैं जो पीएचडी करते हैं लेकिन उनका पीएचडी कोई काम का नहीं रहता है, बिकॉज और जब कोई रिसर्च करने को बोल, जैसे कि पीएचडी में क्या रहेगा, पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट है उसमें आपको रिसर्च करना रहता है, जब वो रिसर्च आप करोगे, जैसे कि कोई ऐसा टॉपिक आप लो जिसमें, अगर आप फ्यूचर में करने वाले हो तो एक ऐसा टॉपिक आपको लेना होगा जो कि आपके सोसाइटी, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी या फिर गवर्नमेंट, इनके इनके लिए, मतलब इनके पर्पज से लो, कि जिससे सोसाइटी के हेल्प में हो, ऐसा रिसर्च करो। नहीं तो फालतू के रिसर्च करके कुछ मतलब नहीं है, और पीएचडी की डिग्री लेके भी कोई मतलब नहीं है। तो ऐसा रिसर्च करो जिससे बेनिफिट हो टू दी सोसाइटी।
तो इस तरीके से कोई भी पढ़, जैसे कि एनवायरमेंट हो गया, तो एनवायरमेंट से रिलेटेड आप सर्च कर सकते हो कि क्या या क्या क्या प्रॉब्लम है, हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं ये प्रॉब्लम है, तो उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए किस तरीके से प्राइमरी डाटा कलेक्ट करना है, देन सेकेंडरी डाटा कलेक्ट करना है, तो इस तरीके से किया जाता है। और रिसर्च का पूरा एकदम बेनिफिट स्टार्टिंग से मैं आपको कवर कराऊंगी कि क्या होता है रिसर्च, उसके फीचर्स क्या है, क्या एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, प्रोसेस क्या होते हैं, मेथड क्या होता है, ये सारी चीजें डिस्कस करूंगी। लेकिन अभी एक बात करते हैं सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा इजी है। सेकेंडरी डाटा का इन सिंपल वर्ड की जो इंटरनेट में इंफॉर्मेशन रहती है या फिर न्यूज़पेपर हो, तो ऑलरेडी कोई और पर्सन है जिसने ऑलरेडी कोई रिसर्चर है जो कि ऑलरेडी इंफॉर्मेशन उसने गेन की रहती है, कलेक्ट की रहती है, और उसी इंफॉर्मेशन को वो डाल देता है इंटरनेट में या फिर मैगजीन है, न्यूज़पेपर है, एनीथिंग। तो वो हो गया सेकेंडरी डाटा। हमारे लिए वो सेकेंडरी डाटा होगा बिकॉज कि हम वो इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। तो और इस सेकेंडरी डाटा के कुछ फीचर्स होते हैं। क्या फीचर्स है? रिकॉर्डेड डाटा, पहला तो ये ऑलरेडी रिकॉर्डेड रहता है, तो हमारे लिए ज्यादा पेपर वगैरह यूज भी नहीं किया जाता, हमें कम टाइम में मतलब लेस टाइम भी कंज्यूम करता है, तो ये एक फीचर हो गया। रिकॉर्डेड डाटा रहता है, मतलब कि सेकेंडरी डाटा इज कलेक्टेड फ्रॉम रिकॉर्डेड एंड पब्लिश एंड अनपब्लिश पेपर सोर्स। ऑफकोर्स पब्लिश किया हुआ या फिर अनपब्लिश किया हुआ, लेकिन रिकॉर्डेड ही रहते हैं, ऑलरेडी किसी और ने रिकॉर्ड करके रखा हुआ रहता है, तो ये एक एडवांटेज भी हो सकता है एंड ये एक फीचर भी है सेकेंडरी डाटा का। देन इजी टू कलेक्ट, हमारे लिए ये सेकेंडरी डाटा कलेक्ट करना इजी हो जाता है बिकॉज कि ऑल इजीली अवेलेबल रहता है सोशल मीडिया एंड नेट में एक्सेट्रा। क्वांटिटेटिव डाटा, सेकेंडरी डाटा क्वांटिटेटिव डाटा रहता है, लॉट ऑफ डाटा अवेलेबल रहते हैं और बहुत सारे रहते हैं, तो हम उसमें से अल्टरनेटिव्स जो डाटा है उनमें से हम कुछ चूज कर सकते हैं, जो हमारे काम की चीजें हैं उसे हम निकाल सकते हैं, तो क्वांटिटेटिव डाटा हो गया। कॉम्प्रेहेंसिव, सेकेंडरी डाटा इज अवेलेबल ऑन एवरी सब्जेक्ट, इवन दो सब्जेक्ट वेयर कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा इज डिफिकल्ट। सेकेंडरी डाटा अवेलेबल रहते हैं हर जगह, लेकिन जो प्राइमरी डाटा है वो डिफिकल्ट रहता है फाइंड आउट करने में, कलेक्ट करने के, बट जो क्वालिटी रहती है वो प्राइमरी डाटा में ही रहती है, सेकेंडरी डाटा में नहीं रहती। देन कॉम्प्रिहेंसिव रहता है, ये तो बात हो गई। सोर्सेस, सेकेंडरी डाटा में भी कलेक्टेड फ्रॉम प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स। अब प्राइमरी सोर्स सेकेंडरी सोर्स मतलब कि गवर्नमेंट कंडक्ट प्राइमरी सेंसस सर्वे, जैसे कि सेंसस सर्वे हो जाता है तो वहां पे वो लोग फाइंड आउट करते हैं, रिपोर्ट वगैरह निकालते हैं, न्यूज़पेपर हो गया, मैगजीन हो गया, यहाँ पे तो डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज हैं जहां से हम सेकेंडरी डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, जैसे इंटरनेट हो गया, मैंने पहले भी आपको बताया, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, गवर्नमेंट का ऑफिस हो गया, या फिर लाइक एग्जांपल कि आपको 10 साल का पूरा डाटा जानना है कि कितने स्टूडेंट इस कॉलेज पे थे, प्रीवियस स्टूडेंट, उनके मार्क्स वगैरह फाइंड आउट करना, तो आप कहाँ पे जाओगे? ऑफकोर्स आप जाओगे कॉलेज में और वहां से पूरा आप डाटा कलेक्ट करोगे, तो वो सेकेंडरी डाटा हो जाता है। रिलेवेंस, सेकेंडरी डाटा इज रेडीमेड इंफॉर्मेशन, यहाँ पे रेडीमेड इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती कि पूरा इंफॉर्मेशन वगैरह, और तो ये रिलेवेंस है। देन अवेलेबिलिटी, सेकेंडरी डाटा इज अवेलेबल इंटरनली फ्रॉम द कंपनी ओन्स रिकॉर्ड अकाउंट्स वगैरह, जैसे कि आप कंपनी वगैरह में, तो सेकेंडरी डाटा जैसे कि कंपनी के इंटरनल सोर्स में भी अवेलेबल रहता है और बुक मैगजीन एक्सटर्नल में भी अवेलेबल रहता है, मतलब इंटरनली जैसे कि मैंने आपको बताया कि कॉलेज के इंफॉर्मेशन है, रिकॉर्ड वगैरह है, तो कॉलेज के अंदर इंफॉर्मेशन है रिकॉर्डेड वगैरह, एंड टोटल कितना उस एरिया में कितने स्टूडेंट है ये आप ऑनलाइन भी एक्सटर्नली भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि जैसे कि एग्जाम्पल थाने में टोटल कितने स्टूडेंट है, तो अभी कितने स्टूडेंट लर्न कर रहे हैं, कितने स्टूडेंट विजिट कर रहे हैं, ये आप बाहर से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हो और कॉलेज के अंदर से भी ले सकते हो, तो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों जगह इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। लेस टाइम कंज्यूम, ऑफकोर्स सेकेंडरी डाटा बहुत टाइम कंज्यूम, लेस टाइम कंज्यूम करता है प्राइमरी डाटा से, तो बहुत ही कम टाइम कंज्यूम करता है बिकॉज के जैसे लाइक एग्जांपल आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, आप जाओगे इंटरनेट में एंड फाइंड आउट कर लोगे इंफॉर्मेशन, लेकिन अगर आप प्राइमरी डाटा में ऐसा करोगे ना तो ये इट इज डिफिकल्ट, उधर डिफिकल्टी होगा आपके लिए बिकॉज की वहां पे आपको जाना है, सर्वे करना है, इंटरव्यू लेना है, क्वेश्चन पूछना है, सामने वाले का रिस्पॉन्ड कैसा है वो भी आपको पता नहीं है, कोई इंटरेस्टेड है इंफॉर्मेशन देने के लिए, कोई नहीं है। लेस एक्सपेंसिव, और यहां पे लेस एक्सपेंसिव है सेकेंडरी डाटा, लेस एक्सपेंसिव इसलिए है
क्योंकि यहाँ पे लेस पेपर वर्क लगेगा और यहाँ पे आपका सिर्फ इंटरनेट का ही पैसा जाने वाला है, ज्यादा और ज्यादा पैसा नहीं जाएगा। एज पर कंपेयर अगर आप करोगे प्राइमरी डाटा से, तो आप वहां पे जा रहे हो, विजिट कर रहे हो, तो वहां पे रहने का, खाने का, पेपर वर्क, भाड़ा आने जाने का, ये सब पैसा लग जाता है, तो एक्सपेंसिव हो जाता है। लेकिन सेकेंडरी डाटा में ऐसा नहीं है, आप घर बैठे भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये था लेस टाइम कंज्यूमिंग, तो ये थे फीचर सेकेंडरी डाटा के। और लेक्चर आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट करिएगा। तो हम लोग कर रहे थे रिसर्च प्रोसेस, रिसर्च प्रोसेस प्रोसेस में सेकेंडरी डाटा आता है। और अगर आप हमारे चैनल पे नए थे तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए एंड शेयर योर फ्रेंड सर्कल फॉर न्यू इन्फॉर्मेशन के लिए। एंड आपको कोई टॉपिक में जो डाउट है, रिसर्च प्रोसेस, रिसर्च मेथोडोलॉजी जो बुक है, इस बुक से रिलेटेड कोई भी डाउट है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वीडियो बना के दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। और डिसलाइक भी क्यों किया है इसका कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं अपनी टीचिंग में इंप्रूवमेंट करूंगी। थैंक यू सो मच।